नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर लॉन्च के इस प्लेटफॉर्म पे पुनः। और अब आप लोग जो है काफी अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, ये भी एक तरह से मोटिवेशन होता है। तो डेली कंसिस्टेंसी को, निरंतरता को बनाए रखने में सहयोग करता है। तो उसी उम्मीद के साथ और उसी हौसले के साथ जो है हम उम्मीद आपसे भी करते हैं कि आप जो है प्रैक्टिस अपनी जारी रखे होंगे और मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे। हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, इस तरह से लोग ढीले हैं थोड़े अभी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। जब तक धीरे धीरे करते रहे, हम लोग धीरे करें लेकिन करते रहे, है ना, ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ देना है। और पेट भी लगा हुआ है, कुछ लोग पेट की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो पेट की भी क्लासेस आपकी जल्दी जल्दी शुरू होंगी चैनल पर। ठीक है, क्लासेस इन द सेंस कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से ही उस टॉपिक के कंटेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, और कोई आधार होता नहीं है, उससे बेहतर आधार कोई नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेहतर आधार कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए। हालांकि पता है कभी कभी आयोग डोल जाता है तो कुछ भी पूछ लेता है, तो उसके लिए वो चीजें आपके लिए भी पहली बार होती हैं और बाकी लोगों के लिए भी पहली बार होती हैं। ठीक है, तो उसको इग्नोर करते हुए हम लोग जो तरीका है उसी को फॉलो करेंगे। ठीक, तो इसके पहले वाले चैप्टर में हो गया था अपना निर्वाचन आयोग। उम्मीद है सारे प्रोविजन, ठीक है, सारी बातें आपको चीजें याद होंगी। जिसको नहीं याद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाकर के वीडियो देख सकते हैं आप, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए सुपर होम्स के नाम से। और स्पेलिंग देखनी है आपको, चैनल के नीचे आप स्पेलिंग देख सकते हैं, तो वहां पर आपको डेली वीडियो जो पड़ता है उसका लिंक भेज दिया जाता है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बाकी आज जो है आपात उपबंध। देखिए, आपात उपबंध से कई सारे कंफ्यूजन रहते हैं लोगों को, है ना, तो यहाँ से चीजों को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ढंग से करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है 584 नंबर, संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए, भाग 18 में बात की गई है इसकी, में भाग 18 में, ठीक, भाग 18 में जो है तीन आपातकाल हैं, एक 352 के तहत, एक 356 के तहत और एक 360 के तहत। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, तीन आधार है उसके, कौन कौन से, युद्ध, बाह्य आक्रमण, एक आंतरिक अशांति था जिसको जो इमरजेंसी लगी थी 76 में, है ना, उसके बाद जो है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसको परिवर्तित करके उसका शब्द क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, तो तीन आधार पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो आपातकाल लगता है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। 356 में क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 365 भी पढ़ेंगे, अनुच्छेद 365 में ये लिखा गया है, ये कहा गया है, केंद्र सरकार द्वारा दिया गया कोई निर्देश अगर राज्य सरकार नहीं मानता है तो वो संवैधानिक विफलता माना जाएगा। ठीक है, और 356 के लगने का आधार ही यही है कि किसी राज्य में अगर शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है तो मतलब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, इसकी पुष्टि कौन करता है, राज्यपाल करता है, रिपोर्ट राज्यपाल लगाता है। चलिए, 356 ही हो गया। 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल, जब भी राष्ट्रपति को यह अनुमोदित हो जाए कि देश की साख, देश की वित्तीय साख या देश के किसी विशिष्ट भाग की वित्तीय साख खतरे में है, संतुलित नहीं हो पा रही है, उस समय क्या है, वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तीन चीजें, तीन प्रकार के आपातकाल पढ़ लिया आपने, अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किसमें किया गया है, बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा, क्यों, अभी देखा हमने 360। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, 585 नंबर, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति शासन निरस्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि लगातार वही है। ठीक है, चलिए, अच्छा एक चीज समझ लीजिए, राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो उसको 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर जो है अनुमोदित हो जाना चाहिए संसद के द्वारा। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए, और जो एक चीज है कि अगर अनुमोदित हो जाता है तो 6 माह के लिए वो बना रहेगा, अगर अनुमोदित हो जाता है तो 6 माह के लिए बना रहेगा। और इसमें जो कार्यपालिका है राज्य की, देखिए अब दिख रहा होगा, जो राज्य की कार्यपालिका है ना, वो हटा दी जाती है, लेकिन विधायिका के मामले में केस आया था, एसआर बोम्बई केस, उसमें निर्णय दिया गया था कि जो विधायिका है उसको निलंबित नहीं किया जाएगा, है ना, पूर्ण रूप से कोशिश की जाएगी कि पहले मौका दिया जाए किसी भी पक्ष को जो सरकार बनाने के लिए रेडी हो। ठीक है, और जो राज्य सूची के विषय है उस पर कानून कौन बना सकता है, संसद बना सकती है इसके बारे में। ठीक है, विधायिका निलंबित नहीं किया जाता है, हर बार किया जा सकता है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कार्यपालिका निलंबित हो जाती है। ठीक, चलिए, ये चीजें हो गई। चलिए ठीक है,
अगला देखिए, पांच सौ छियासी नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? 356। चलिए लड्डू सवाल, आगे बढ़िए। भारत में पहली कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? इस क्वेश्चन का आंसर करिए जरा, भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? भाई साहब वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। कितनी बार? शून्य बार। ठीक है, कितनी बार लगा है? शून्य बार। अभी तक ऐसी नौबत ही नहीं आई है कि भारत में वित्तीय आपातकाल लगे। चलिए 588 नंबर, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रीय आपातकाल तीन आधार बताया था ना हमने आपको, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि क्या है, वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। ठीक, चलिए अगला देखिए। अब इसमें परिवर्तन करके कर दिया गया है कि मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे। उसके पहले जो 76 में लगा था वो ऐसे लग गया था, बस प्रधानमंत्री ने बोल दिया, राष्ट्रपति ने लगा दिया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 589 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है? भाग 18 में, हमने डिस्कस किया था ना अभी, भाग 18 में क्या है? आपातकालीन प्रावधान शामिल है। चलिए अगला देखिए, 590 नंबर, निम्न में से कौन सा या कौन से आपातकाल राष्ट्रपति घोषित करते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, तीनों। लेकिन आप यहाँ पर राज्य आपातकाल की भाषा से कंफ्यूज हो रहे होंगे। राज्य आपातकाल मतलब राष्ट्रपति शासन से मतलब है इसका, राष्ट्रपति शासन से मतलब है इसका, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 591 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति कितने दिनों के बाद समाप्त हो जाती है? यदि सत्र के चलते उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है, मतलब राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया तो वो अगर सत्र में सदन नहीं है, सदन सत्र में नहीं है और वो अनुमोदित नहीं हो पाया, पारित नहीं हो पाया, तो कितने माह तक चलेगा? देखिए इसमें चीज है क्या, पहले वो 2 माह तक था, जैसे बाकी अन्य प्रावधान 2 माह तक लागू होते बिना पारित हुए, ऐसे ही राष्ट्रीय आपातकाल भी 2 माह तक लागू हो सकता। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन से 1978 वाले से क्या कर दिया गया, परिवर्तित करके इसको 1 माह कर दिया गया। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, 1 माह तक इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, चलिए जब पारित कर दिया जाएगा तो 6 माह के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे कर करके इसको 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं आप। टोटल मैक्सिमम कितने साल के बढ़ा सकते हैं, 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन 3 साल के लिए 2 कंडीशनें हैं। पहला राष्ट्रपति शासन का है, 3 साल तक का राष्ट्रपति शासन के लिए क्या है कि राष्ट्रपति शासन है, मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है, अब उसको 6-6 महीने करके बढ़ा रहे हैं आप, लेकिन एक सीमा के बाद आपको 3 साल के लिए तक बढ़ा पाएंगे आप, जब उसमें आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। दूसरा, कि चुनाव आयोग उसमें इलेक्शन करवाने से मना कर दे। 2 कंडीशनें होंगी तब राष्ट्रपति शासन 3 साल तक के लिए लग सकता है। पहला क्या कंडीशन है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो 352 के तहत, और जो चुनाव आयोग है वो चुनाव करवाने से वहां मना कर दे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, और इसको 1 साल तक बढ़ा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल को। ठीक है, इसके बाद बढ़ाने के लिए संशोधन करना पड़ेगा आपको संविधान। नहीं, सुनिए, राष्ट्रीय आपातकाल की कोई लिमिटेशन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, जो आर्टिकल 352 के तहत लगता है इसका अनिश्चितकाल तक के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि लोकसभा जो है, लोकसभा एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी। ठीक, लोकसभा एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलिए तो आर्टिकल 352 को कितने दिन तक लागू किया सकता है, अनिश्चितकाल तक, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कितने वर्ष तक लागू किया सकता है, सर ध्यान रहेगा। लेकिन बिना संसद से पारित हुए सिर्फ 1 महीने, और संसद से पारित हो गया तो पारित कर करके आप कितना भी कर सकते हैं। अगला देखिए, संविधान की धारा 352 क्लॉज 6 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा किस प्रकार स्वीकृत किया जाना चाहिए? सिंपल समझिए, यहाँ पर 352 है तो विशेष बहुमत, क्या होगा, विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है, 50+ होना चाहिए प्लस 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है, 2/3 बहुमत होना चाहिए आपके पास। ठीक है, इसमें कहाँ लिखा हुआ है, ये में लिखा हुआ है, एक विशेष बहुमत जो उस प्रस्ताव के पक्ष में है वे उपस्थित सदस्यों का 2/3 हो और मतदान करें, तथा उस सदन की कुल सदस्य का बहुमत हिस्सा हो। ठीक है, ये विल बी योर राइट आंसर, ध्यान रहेगा। लेकिन वापसी इसकी साधारण बहुमत से हो जाती है, अगर इसकी वापसी करनी है उसका क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत से वापसी हो जाएगी।
ध्यान रहेगा। चलिए अगला देखिए 593 नंबर, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसके तहत अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं, किसके तहत? धर्म, ये स्वतंत्रता का अधिकार। राष्ट्रीय आपातकाल के तहत आर्टिकल 358 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकाल के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो आर्टिकल 19 जो है वो स्वतः निलंबित हो जाएगा। अगर, अगर शब्द याद रखिएगा, दो शब्द हैं इसमें, अगर वो सशस्त्र नहीं, अगर वो युद्ध, युद्ध प्लस बाह्य आक्रमण के कारण लग रहा है तो, अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण लग रहा है तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। ध्यान रहेगा इतना। चलिए वेरी गुड, ठीक है अगला देखिए 594 नंबर, आजादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित की गई है, पता है आपको? दो बार तो युद्ध हो गया था और एक बार इंदिरा गांधी ने चुटकी जा दी थी थैनोस की तरह, ठीक है। दो बार युद्ध कब हुआ था, एक चाइना के साथ, चीन के साथ, एक पाकिस्तान के साथ, और एक इंदिरा गांधी द्वारा जो इमरजेंसी लगाया गया था, इंदिरा गांधी जी द्वारा, ठीक है। तीन बार जो है अभी तक आपातकाल लगाया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, भारतीय गणराज्य में किसके अनुच्छेद, कौन सा जो है अनुच्छेद 356 से संबंधित है, कौन सा है? राष्ट्रपति शासन, अभी देखा आपने। चलिए अगला देखिए 596 नंबर, भारत में आपातकाल की घोषणा, प्रथम घोषणा कब की गई थी? सिंपल सी बात है, चीन के आक्रमण के समय, क्यों? सबसे पहले यही हुआ था ना 1962 में, ठीक है। चलिए अभी ये किस आधार पर लगा था, तीन आधारों में से बाह्य युद्ध, युद्ध के उस पर, ठीक है। चलिए ये थे आपके आज के क्वेश्चन, है ना, आपातकाल से संबंधित। आपातकाल वाले में इतने ही क्वेश्चन हैं जो अभी तक, मतलब पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा 99 से लेकर के अभी तक जितने भी एग्जाम कराए गए, चाहे वो एसआई हो, चाहे एसआई हो, चाहे जेल वार्डन, चाहे यूपी पुलिस हो, उन सब में आए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो चैप्टर कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्या रहेगा? संविधान संशोधन एवं महत्वपूर्ण विवाद, ठीक है। इसमें सारे 42वां जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है अपना, ठीक है, वो सारे उससे संबंधित जितने प्रश्न आए हुए हैं अभी तक वो सारे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तो उम्मीद है आपको कम से कम भाग 18 में, भाग 18 में जो है 352, 356 और 360 और 358 और 359 ने डिस्कस किया हमने, 359 समझ लीजिए, 359 ये बोलता है, 358 क्या था, 358 था कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल दो कारणों से, बाह्य आक्रमण और युद्ध के कारण होता है, राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार देता है वो स्वतः निलंबित हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल 359 क्या बोलता है कि अगर वही राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगता है, ठीक है, तो क्या होगा, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी जो मौलिक अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास उसका मतलब पावर है कि वो उन सबको कर सकता है या उनके कुछ हिस्सों को कर सकता है निलंबित, ठीक है। चलिए इतना ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी ये चीजें रिवाइज कर लीजिएगा, जो आपको याद नहीं रहा है उसको नोट कर लीजिएगा और बार बार उसको रिवाइज करते रहेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।